खवातीन को हम ये बताएंगे कि उनके अंदर वो कमज़ोरियां पाई जाती हैं। ये जादू आखिर किसने किया, तो बड़ा मुबहम सा जवाब दिया जाता है कि किसी अपने ने किया है। खवातीन अपनी आईज़ की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए आई लैशेज का इस्तेमाल करती हैं, ये बिल्कुल नाजायज़ है। कि तुम अपने खामदों की बहुत ज़्यादा नाशुक्री करने वाली हो, छोटी सी बात को एक बहुत बड़ी लड़ाई के अंदर बदल देना, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अंसर है फिल्मों और ड्रामों का। कि जो आप ड्रामे में देख रहे हैं आप उसको हकीकत समझ लें और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम बात करेंगे ख्वातीन के बारे में और ख्वातीन को हम ये बताएंगे कि उनके अंदर वो कमज़ोरियां पाई जाती हैं कि अगर वो अपनी उस कमज़ोरी पर कंट्रोल नहीं करती तो शैतान उनकी उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उनको गुनाह तक पहुंचा देता है। जी हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ख्वातीन के अंदर एक कमज़ोरी ये पाई जाती है कि कोई भी नुकसान हो जाए या कोई भी अनहोनी बात हो जाए, कोई बीमारी आ जाए या कुछ भी अप डाउन जो है वो ज़िंदगी में हो जाए, जो कि ज़िंदगी का एक लाजमी जुज है। ज़िंदगी नाम ही इसी चीज़ का है कि उतार चढ़ाव, गम खुशी, नुकसान नफ़ा, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन हमारे ख्वातीन का ये एक वतीरा बन गया है, ये उनकी एक आदत बन गई है कि सबसे पहले उन्होंने किसी भी नुकसान और किसी भी अनहोनी बात को जादू, जिन्नात या नज़र बद की तरफ लेकर जाना है। यानी कोई बात हो जाए, हम पर किसी ने जादू किया हुआ है, कोई बात हो जाए इसको नज़र लग गई है, कोई बात हो जाए कि जी इसको लगता है कि इसको कोई साया हो गया है, यानी इस तरह की बातें जो हैं वो ख्वातीन की ज़ुबान ज़द आम रहती हैं। इसका एक नुकसान तो ये होता है कि ये चीज़ें हमारे ईमान को कमज़ोर करती हैं, क्योंकि एक मुसलमान मोमिन होने की हैसियत से हमारा ये पुख्ता यकीन और पुख्ता ईमान होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़न के बग़ैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इजाज़त के बग़ैर कोई जादू असर नहीं कर सकता, कोई शैतान आपके ऊपर हमलावर नहीं हो सकता, कोई नज़र जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान, यानी इस नज़रिए का या इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये होता है कि फिर इसका मदावा करने के लिए हमारी ख्वातीन जो हैं वो उन जाली और फ्रॉड आमिलीन के पास जाती हैं जो लोगों को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। ये फ्रॉड आमिल आपका ईमान भी लेते हैं और आपसे पैसा भी लेते हैं। मीडिया के ऊपर कितने ही ऐसे वाकयात जो हैं वो दिखाए गए हैं कि ख्वातीन अपने घरों से छुप के पैसे लेकर अपने खामदों की इजाज़त के बग़ैर जो है वो इन आमलों के पास और इन जाली फ्राड और बाबों के पास जाती हैं और फिर वो आगे से उन्हें कई ऐसे गुनाहों के अंदर मुलव्विस कर देते हैं कि जिनसे एक गुनाह नहीं बल्कि वो कई गुनाहों का शिकार हो जाती हैं। जैसा कि सबसे पहले जब आप आमिल के पास जाती हैं तो वो आपको कहता है कि जी ये किसी ने जादू किया हुआ है, इसका तोड़ करना पड़ेगा। अब आप अगला सवाल जो है उसका ये होता है कि ये जादू आखिर किसने किया, तो बड़ा मुबहम सा जवाब दिया जाता है कि किसी अपने ने किया है। अब वो अपना कौन है, वो कभी अगर कोई बहुत जादूगर को इसरार किया जाए तो वो मज़ीद पैसे लेकर या किसी आमिल जाली फ्रॉड बाबे से मुतालबा किया जाए तो वो पैसे लेकर आपको कोई ना कोई नाम भी मेंशन कर देगा, और अगर ज़्यादा मुतालबा ना किया जाए तो ये जो एक जहर दिमाग के अंदर डाल दिया जाता है कि किसी अपने ने किया है, अब इसका नतीजा क्या निकलता है कि अपनों के ख़िलाफ़ दिल के अंदर एक नफ़रत पैदा हो जाती है, अपनों के ख़िलाफ़ एक हसद और एक बुगज़ और एक कीने की फ़िज़ा जो है वो पैदा हो जाती है, और खाम खा ख़वातीन जो हैं वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर शक करना शुरू कर देती हैं। इस शक का फिर अगला नुकसान ये होता है कि हमारे रवैये के अंदर तब्दीली आ जाती है। ज़ाहरी सी बात है कि जब आप किसी की अच्छी बात को भी शक की निगाह से देखेंगी और किसी के प्यार को भी आप ये समझेंगी कि वो चापलूसी कर रहा है या ये समझेंगी कि वो दिखावा कर रहा है, तो ज़ाहरी सी बात है कि फिर वहाँ मोहब्बतें नहीं, वहाँ नफ़रतें जन्म लेंगी। तो
तो ये एक बहुत ही बुरी आदत जो है ये हमने अपने अंदर डाल ली है हमारी इस बिलखसूस बर्रे सगीर और पाकिस्तान की ख़वातीन ने कि हर चीज़ जो है उसको जादू जिन्नात के साथ रिलेट करना और फिर ये आमिलीन के पास जाना। तो मेरी ये नसीहत जो है ये पल्ले बांध लीजिए कि किसी भी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस ये 98% लोग जो हैं ये जाली और फ्रॉड हैं और ऐसे ऐसे तरीके हैं इनके पास लोगों को बेवकूफ़ बनाने के और ऐसे ऐसे हथकंडे हैं इनके पास आपको धोखे में डालने के कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हम इंशाल्लाह इस पे किसी प्रोग्राम में आपके सामने वो हकायक भी रखेंगे। लेकिन इसका बेहतरीन हल क्या है? देखिए, अगर आपको ये लगता भी है कि कोई जादू का कोई मामला हो गया है या नज़र बद है, तो सबसे पहले अपना तजज़िया करें, अपनी ज़िंदगी के शबो रोज़ को, अपनी मामूलात ज़िंदगी को देखें तो सही। क्या आपने सुबह उठकर फजर की नमाज़ पढ़ी है? अगर आपने फजर की नमाज़ पढ़ी है तो आपको अल्लाह पर यकीन होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आप अल्लाह की हिफाजत में आ गई हैं। फिर देखिए कि क्या आपने वो अज़कार जो हिफाजत के लिए सुबह के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए, क्या वो आपने पढ़े हैं? क्या आपने अपने बच्चों को वो दुआएं जो नज़र बद से बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं? आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामति मिन कुल्ली शैतानिन वहामा व मिन कुल्ली ऐनिन लामा। इसी तरह नुकसान से तकलीफ़ से बचने के लिए बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस्समाई वहुवस समीउल अलीम। ये सारी दुआएं जो हैं, क्या आपने इन दुआओं का एहतिमाम किया है? क्या आपके घर के अंदर कुरान मजीद की तिलावत की जाती है? क्या आपके घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है शैतान जो है वो उस घर पे हमलावर नहीं हो सकता। तो अगर आप नमाज और ज़िक्र अज़कार, इसी तरह सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ के दम करना, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी। क्या आप रोज़ाना ये दम करती हैं? क्या आप अपने बच्चों को रोज़ाना ये दम करके फूंकती हैं? अगर ये सब कुछ आप करती हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत आपके साथ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुव्वत जो है वो आपके साथ है, कोई शैतान आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो इस बात को सोचना छोड़ दें, हर चीज़ जो है वो जादू नहीं होती, जिन्नात नहीं होते और नज़र बद नहीं होती। ज़िंदगी नाम ही उतार चढ़ाव का है, ये नफ़े और नुकसान ज़िंदगी का हिस्सा है और इनको लेकर ही साथ ज़िंदगी में चला जाता है। दूसरी बात जो ख़वातीन के अंदर एक पाई जाती है वो क्या है कि वो अपनी खूबसूरती के लिए बसा औक़ात गुनाह तक जो है वो पहुँच जाती हैं। जी हाँ, खूबसूरती के लिए मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है बालों के साथ बाल मिलाने से। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई उन ख़वातीन पर जो बालों के साथ, यानी ओरिजिनल बालों के साथ दूसरे कोई बाल जो है वो अटैच करती हैं। तो ख़वातीन का अपनी खूबसूरती में इजाफ़े के लिए बालों के साथ मस्नूई बाल यानी विग वग़ैरह का इस्तेमाल करना ये बिल्कुल नाजायज़ है। ख़वातीन अपनी आईज़ की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए आई लैशेज़ का इस्तेमाल करती हैं, ये बिल्कुल नाजायज़ है। इसी तरह आईब्रोज़ जो हैं इनकी तराश खराश करना या इनको बनाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ख़वातीन के ऊपर भी लानत फरमाई है कि जो अपने अब्रू के बालों को तराश खराश करती हैं। तो ये वो बुराइयां हैं या ये वो गुनाह हैं जो ख़वातीन जो है वो बड़ी आसानी के साथ कर लेती हैं। और मैं यहाँ पर ख़वातीन को इस बात की भी वजाहत करना चाहूँगा कि अमूमी तौर पर ख़वातीन इस बात का उज़र पेश करती हैं कि हम ऐसा अपने खामदों की वजह से करती हैं या उनके कहने पर करती हैं। तो देखिए, ये एक उसूल हमेशा जहन नशीन रख लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया अल्लाह ताअतल मखलूका कि मखलूक की इताअत और फरमा बरदारी नहीं की जाएगी, फ़ी मासियतिल खालिक, जब अल्लाह और उसके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी होती हो।
खामंद की बात मानी जाएगी लेकिन तब तक जब तक शरीयत की मुखालिफत ना होती हो। शरीयत की मुखालिफत करके खामंद की या बाप की या किसी बड़े की बात जो है वो हरगिज़ नहीं मानी जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें नाखूनों की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाखूनों को काटना ये फितरत में से करार दिया। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान के अंदर फितरी तौर पर कुछ चीज़ें वदियत कर दी हैं और उनको इख्तियार इंसान करता है अपनी पाकी के लिए, और एक सलीमुल फितरत इंसान जो है वो उन चीज़ों का ख्याल करता है, तो ये नाखूनों का काटना ये इंसान की फितरत के अंदर गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रख दिया है। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट जो है ना काटने की, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन मुकर्रर कर दी है। तो अब ख़वातीन जो हैं वो नाखूनों को बहुत ज़्यादा लंबा कर लेती हैं, और ज़ाहरी सी बात है कि 40 दिन से वो ऊपर जो है वो गुज़र जाते हैं, तो जब 40 दिन से ऊपर जाकर आप नाखून नहीं काटेंगी तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ख़िलाफ़ अमल कर रही होंगी। इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें इससे भी आगे, तो ख़वातीन के अंदर ये आदत भी पाई जाती है कि वो अपनी ब्यूटी के लिए यानी मेकअप वगैरह के एहतमाम के लिए या नेल पॉलिश जो है वो लगाई हुई है हाथों को, तो इसके लिए वो बसा औकात नमाज़ों में भी सुस्ती का मुजाहिरा करती हैं। अब ज़ाहरी बात है कि इतनी मेहनत करके इतने शौक़ से और इतने पैसे लगाकर मेकअप किया हो, तो नमाज़ के लिए जब वुज़ू करना है तो उसके लिए वो सारा कुछ जो है वो ज़ाया करने का फिर हौसला नहीं पड़ता। और इसी तरह नेल पॉलिश अगर लगी हुई हो तो वुज़ू नहीं होता, तो बार बार नेल पॉलिश लगाना और बार बार उतारना, इस कबाहत से बचने के लिए उसका सोल्यूशन जो है वो ये निकाल लिया जाता है कि नमाज जो है गोया उसको ही छोड़ दिया जाता है। ये बात ज़हन-नशीन रख लें कि कायनात में हर चीज़ को छोड़ा जा सकता है, हर काम को पश डाला जा सकता है, मगर नमाज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत है, नमाज जो मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो अगर आपके अंदर इस तरह की कोई ख़राबी पाई जाती है तो उसको फ़ौरी तौर पर दूर करने की कोशिश करें। नमाज, हाँ ये है कि शरीयत ने हमें नमाज़ें जमा करने की एक रिलैक्सेशन दी है, नमाज़ों को जमा करके एक बड़ा तवील वक़्त जो है वो आपको मुयस्सर आ सकता है, उसको आप जो है वो ऐसे मैनेज कर लें कि नमाज़ भी पढ़ ली जाए और अगर कोई फंक्शन है तो उसको भी अटेंड कर किया जा सके। और इसी तरह अगर आप देखें तो ख़वातीन को जो एक शॉपिंग का शौक़ होता है, तो ख़वातीन जो हैं उनका बेजा घर से निकलना ये भी ख़तरे से खाली नहीं है। और फिर इसी तरह बाहर जाकर चेंजिंग रूम जो होते हैं या जहाँ पर ड्रेसिंग रूम जो बने होते हैं वहाँ पर जाकर ड्रेस जो है वो चेक करना, ये बहुत ही ख़तरनाक है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमा दी कि अगर कोई औरत अपने खामंद के घर के अलावा किसी और घर में जाकर या किसी और जगह पर जाकर अपना लिबास जो है वो उतारती है, तो उसने अपने और अल्लाह के दरमियान पर्दे को ख़त्म कर डाला। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औरत की हिफाजत फरमाते हैं उसके घर की चार दीवारी के अंदर, वो घर बाप का घर हो, शादी के बाद शोहर का घर हो, या किसी अपने घर में महरम के घर के अंदर वो मौजूद हो। लेकिन जब वो बाहर जाकर इस तरह जो है वो बिल्कुल जो है वो बेदरेग जो है वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करेगी, तो गोया के वो उस हिसार और उस एक हया के पर्दे से जो है वो बाहर आ जाएगी। और इसका अमली मुशाहिदा आपको अपने मुआशरे में देखने पर नज़र आएगा कि ऐसे सैकड़ों वाकयात जो हैं वो रूनमा हुए पेश आए हर इलाके के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे वाकयात पेश आए कि इन चेंजिंग रूम्स के अंदर जो है उन लोगों ने कैमरे जो है वो फिट किए होते थे और उन कैमरों की वीडियोस जो है वो बनाई जाती थी, बस औकात वो पकड़े भी गए, बस औकात नहीं पकड़े गए, वो वीडियो जो है वो इंटरनेट के ऊपर फेंक दी गई। यहाँ तक मामला हुआ कि लोगों ने खुदकुशियाँ जो है वो की इस हादसे की वजह से। लेकिन बहरहाल ये एक कभी तरीन गलती थी उन करने वालों की भी, लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि इंसान
वो कसूरवार तो हम नहीं कहेंगे कि वो ख़वातीन कसूरवार हैं, लेकिन अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इंसान को हत्तुल वुसा कोशिश करनी चाहिए। जब मुआशरे में हर तरफ शैतानियत और हर तरफ भेड़िए जो हैं वो फैले हुए हों, तो इंसान को अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए यकीनन कोशिश करनी चाहिए, और अपना तहफ़्फ़ुज़ इसी में है ख़वातीन का कि वो अपने आप को लिमिटेड रखें। तो ये भी एक आदत जो है इसको छोड़ने की कोशिश करें। ये आदत जो है ये बहुत ही ख़तरनाक है, और किसी ना अल्लाह ना करे कि कभी किसी ख़तरे में जो है वो किसी को मुब्तला करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम ख़वातीन के जो हिफाजत फरमाए। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के मौका के ऊपर जब आप मर्दों से खिताब किया, तो बिल्कुल स्पेशल जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन से जो है वो गुफ्तगू की, और ख़वातीन से गुफ्तगू करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातों की उनको तलकीन फरमाई, और उनमें से एक बात ये थी कि तुम्हें चाहिए कि तुम बहुत ज़्यादा सदका किया करो। क्यों? इसलिए कि मैंने जहन्नुम में तुम्हारी कसरत को देखा है, यानी मर्दों के मुकाबले में जहन्नुम में औरतों की कसरत को देखा गया। अब इसकी एक वजह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वो क्या है कि तुम अपने खामदों की बहुत ज़्यादा नाशुक्री करने वाली हो और बहुत ज़्यादा लान तान करने वाली हो। तो ये आदत जो है ये भी ख़वातीन के अंदर पाई जाती है, और ये इतनी ख़तरनाक आदत है कि गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैंने जहन्नुम में तुम्हारी कसरत को देखा। कि खावन के घर के अंदर, इसकी बड़ी प्यारी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि ख़वातीन के अंदर ये एक आदत पाई जाती है कि खावन जो है वो उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है, हर तरह से उनको फैसिलिटेट करता है, हर तरह से उनकी जो है वो सहूलियात फराहम करता है, लेकिन अगर कभी वो अपनी बीवी की कोई ख्वाहिश पूरी ना कर सके, कोई ड्रेस उसने डिमांड किया वो नहीं लेके दे सका, कोई लिपस्टिक उसने डिमांड की वो नहीं लेके दे सका, तो पता क्या कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो पता क्या कहती है, मा रअयतु खैरन कत्तु, ओ मैंने तुम्हारे घर में कभी सुकून देखा ही नहीं है, मुझे तूने कभी खुश नहीं किया। यानी वो पिछली सारी एफर्ट, वो पिछली सारी खुशियां बुला के उसने उस जो है वो डिमांड के पूरा ना होने पे उसको ये कह दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इनके अंदर, यानी ख़वातीन के अंदर, ये नाशुक्री का पहलू जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अपने अंदर शुक्र पैदा करें, अपने से नीचे देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने से नीचे देखो तो तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करने वाले बन जाओगे। और दूसरी बात, ज़ुबान का बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल करना, यानी बहुत ज़्यादा लान तान करना, बहुत ज़्यादा ताने देना, लगा के बात करना, किसी की इंसल्ट करना, इंसल्टिंग बिहेव करना, ये ऐसी आदतें हैं जो ख़वातीन के अंदर इस कदर पाई जाती हैं कि इसकी वजह से घरों के घर जो है वो तबाह हो जाते हैं। आगे चलते हैं, ख़वातीन के अंदर मुबालगा अमेज़ी का एक अंसर भी पाया जाता है। इस मुबालगा अमेज़ी को आप मकर से भी ताबीर कर सकते हैं, जैसा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी अज़ीज़े मिस्र ने यह कहा था कि इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, कि तुम ख़वातीन के मकर जो हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं, भाई ये बहुत बड़े बड़े मकर करती हैं। तो मकर करना, मुबालगा अमेज़ी से काम लेना, यानी कि एक छोटी सी बात है उसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन उस छोटी सी बात को बढ़ाकर बयान करना और उसको जो है वो एक तमाशा बना देना, और एक छोटी सी बात को एक बहुत बड़ी लड़ाई के अंदर बदल देना, बात से बात बढ़ाते चले जाना, ये ऐसी मुबालगा अमेज़ी की आदत जो है वो ख़वातीन के अंदर पाई जाती है कि जिससे घरों का सुकून जो है वो बर्बाद होता है। तो बात छोटी सी हो उसको इग्नोर करना सीखें, बातों को जो है वो पसे पुश डालना सीखें, बातों को भूल जाना जो है वो सीखें। बातें हो जाती हैं हर मुआशरे के अंदर, हर घर के अंदर बातें हो जाती हैं, उनको भुला दें। ये नहीं कि खावंद उसके सारे दिन की बातें जो है वो जमा करके रखी जाएं कि फ़लाने ने ऐसे किया, फ़लाने ने ऐसे देखा, फ़लाने ने ऐसे सोचा, उसने ये बात ऐसे की, उसके आज ये आया, उसका आज वो आया, उसने मुझे फ़लाँ जो है वो काम कहा, और वो सारा एक बॉक्स बना के रखा जाए, और खावंद जो है वो बेचारा घर आए तो फ़ौरन और कुछ ना पूछा जाए और फ़ौरन वो बॉक्स जो है उसके सामने खोला जाए कि आज ऐसे हुआ, फ़लाने ने ऐसे कहा, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मैंने ये किया, मैं वो किया, मैं थक गई, मैं मारी गई, मुझे सुकून नहीं। ये सारी बातें जो हैं ये ऐसी हैं जो ख़वातीन के अंदर पाई जाती हैं, इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें, ये घरों का सुकून ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, हमारे यहाँ
ख़वातीन के अंदर फिल्मों और ड्रामों की दुनिया में रहने का भी एक ट्रेंड जो है वो बन गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़ुद को फिल्मों के अंदर ड्रामों के अंदर इन्वॉल्व रखना और ड्रामों को देखकर जो है उसको अपने ऊपर ऐसे तारी कर लेना कि जज्बाती हो जाना, रोते रहना और उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करना, यानी ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आंसर है फिल्मों और ड्रामों का कि जो आप ड्रामे में देख रहे हैं आप उसको हकीकत समझ लें और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें, वैसी ही लाइफ जो है वो गुजारने की कोशिश करें, उन जैसी ड्रेसिंग जो है वो करने की कोशिश करें और फिर जाहिर सी बात है कि वो एक मसनूई चीज़ है और ये एक हकीकी दुनिया है, एक हकीकी दुनिया एक मसनूई दुनिया जैसी हो ही नहीं सकती। तो जब आप उस दुनिया को अपनी दुनिया में लाने की कोशिश करेंगी तो फिर मसाइल क्रिएट होंगे, आपके घर के अंदर जो है वो कैसी फाइनेंशियल जो है पोजिशन है वो कैसी है, आपका काम उसको अफोर्ड करता है नहीं करता है, कई ऐसे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होंगे कि जो इन फिल्मों और ड्रामों को हकीकत समझ लेने की वजह से होते हैं। और फिर इससे एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी होता है कि ये चीज़ें जो हैं ये आपको अल्लाह की याद से गाफिल कर देती हैं, तो इन अपने आप को इन ड्रामों और इन फिल्मों से जो है वो बचा के रखें। और फिर साथ साथ ये भी एक ट्रेंड जो है वो अब नया ही चल पड़ा कि सोशल मीडिया से ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गई, यानी हर अपने किचन की जो है वो तस्वीर बनाना या अपनी जो है छोटी छोटी वीडियोज़ जो है बनाकर टिकटॉक के ऊपर डालना। देखिए एक मुसलमान खातून होने की हैसियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खातून जो है उसका पर्दा, घर की चार दीवारी जो है ये उसके लिए सबसे ज़्यादा महफूज है। जब कोई औरत अपने आप को इस पर्दे से बाहर करने की कोशिश करती है तो गोया वो गैर महफूज हो जाती है, शैतान को मौका मिल जाता है कि वो उसको जो है वो बुराई के अंदर मुब्तला करवा दे। और इसी तरह ख़वातीन का बेजा फैशन करना और ख़वातीन का ब्यूटी पार्लर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची से काम लेना, मर्दों को अपनी तरफ मायल करना, ये वो ख़राबियाँ हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तरीन सज़ा इनकी बताई है। लिबास के अंदर ख़वातीन का ऐसा लिबास पहनना कि जो बहुत ज़्यादा टाइट हो या बहुत ज़्यादा बारीक हो, लिबास के मामले के अंदर दिन ब दिन ख़वातीन जो है वो हमें नज़र आता है कि वो फितने की तरफ जो है वो जा रही हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले इससे ये कहकर मुतनब्बे कर दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख़वातीन की वो किस्म जो मैंने अभी तक नहीं देखी, लेकिन क़यामत से पहले ख़वातीन का एक ऐसा रूप भी जो है वो लोग देखेंगे, कासियातुन आरियातुन, के जो लिबास पहनने के बावजूद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो गोया ऐसे ही होंगी कि जैसे उन्होंने लिबास नहीं पहना, और मर्दों को अपनी तरफ मायल करने वाली होंगी। तो ख़वातीन का लिबास के मामले के अंदर ख़ुद को जो है वो इस्लामिक लिबास के अंदर ढालें, अपनी अपने लिबास को इतना बारीक ना करें कि वो ट्रांसपेरेंट हो, लिबास जो है वो इतना चिपका हुआ ना हो कि जिस्म जो है उससे वाज़े होता हो, और औरत के लिए तो उसका पूरा जिस्म जो है वो पर्दा है, उसको ढांप के रखना है, और प्लस उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ओढ़नी यानी दुपट्टा एक्स्ट्रा लेने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो हुक्म दिया है। तो ख़वातीन के अंदर ये एक आदत जो है ये भी तेज़ी से जो है वो परवान चढ़ रही है, इस आदत को भी रोकने की ज़रूरत है। तो ये चंद एक बातें जो मुआशरे के अंदर ख़वातीन के अंदर देखने में नज़र आती हैं उनको हम पॉइंट आउट कर चुके हैं। मकसद ये है कि ख़ुद इंसान अपना तज़िया करके बहुत सी ऐसी बातों को जज कर सकता है कि जो दूसरों को इलम नहीं है या दूसरे नहीं देख रहे होते, लेकिन इंसान को पता होता है कि वो उसके अंदर ऐब है, वो उसके अंदर गलती है, वो उसके अंदर गुनाह है, उसे उसको दूर करना चाहिए। तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ख़वातीन की हिफाज़त फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बेटियों की, बहनों की, माओं की, इज़्ज़तों की हिफाज़त फरमाए, लेकिन हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ख़वातीन को भी अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, बिलाल अहमद को अल्लाह हाफिज़।